रानी विभा सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल से एशिया के एकमात्र विश्वविद्यालय खैरागढ़ विश्वविद्यालय को खैरागढ़ से कहीं और ना ले जाने की मांग की है। रानी विभा देवव्रत ने अपने आवेदन पत्र में निवेदन करते हुए कहा है कि ये एशिया का प्रथम प्रसिद्ध संगीत विश्वविद्यालय है जो देश व विदेश में खैरागढ़ की विशेष अलग पहचान रखता है। खैरागढ़ कमल विलास पैलेस रानी विभा देवव्रत सिंह ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात कर एक पत्र सौंपा। पत्र में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का ऑफ कैंपस स्टडी सेंटर रायपुर में अलग से खोलने पर कड़ा एतराज जताया, साथ ही उक्त सेंटर को पूरी तरह से बंद करने को भी कहा। रानी विभा सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल से एशिया के एकमात्र विश्वविद्यालय खैरागढ़ विश्वविद्यालय को खैरागढ़ से कहीं न ले जाने की मांग की। रानी विभा देवव्रत सिंह ने अपने आवेदन पत्र में कहा कि एशिया का प्रथम प्रसिद्ध संगीत विश्वविद्यालय देश व विदेश में अलग पहचान रखता है, जिसके चलते खैरागढ़ में इसकी स्थापना से खैरागढ़ की विशेष पहचान है। हमारे राज परिवार ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अपना राजमहल व जमीन दान की थी, जिससे आज खैरागढ़ की खास पहचान के चलते हमें व हमारे राज परिवार सहित खैरागढ़ विधानसभा की जनता को गर्व की अनुभूति होती है। वर्तमान में विश्वविद्यालय का ऑफ कैंपस स्टडी सेंटर रायपुर में एक सेंटर खोलने की पहल से आम जनता की जनभावनाओं के साथ साथ हमारी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। देखिए, इंदिरा कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ हमारी और खैरागढ़ की जनता की धरोहर है, जिसको किसी भी प्रयोजन से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। जब 1956 में हमारे पूर्वजों ने इसको खोला था तो उनका सिर्फ एक ही स्वार्थ था कि कला संगीत से जुड़े और ज्ञान अर्जन के लिए लोग बाहर से खैरागढ़ आए और खैरागढ़ की जनता को लाभ मिले। और लास्ट 67 ईयर्स से ये होता आया है, खैरागढ़ की जनता को लाभ मिलता आया है और आगे भी ये होना चाहिए। और इस बात को लेकर के मैं छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल जी से भी मिली और उनको इन बातों से अवगत कराया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।